रामगढ़ में गोदाम निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने का मामला सामने आया है। दरअसल 25 लाख की लागत से बन रही क्रय विक्रय गोदाम में मैनेजर और अन्य कर्मचारियों की मिली भगत से नीम खुदवाई में खाली मिट्टी और पत्थर से भरा जा रहा है, जिसका विरोध कस्बे के युवा वर्ग के कार्यकर्ताओं ने किया। वहीं युवा कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत डीआर ऑफिस में की, जहां गुरुवार को एक टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की और मिट्टी को बाहर निकलवाकर फिर से गोदाम निर्माण में मास्टर रोल के अनुसार निर्माण कराने के निर्देश दिए। वहीं गोदाम का निर्माण सुधीर चौधरी के द्वारा कराया जा रहा था। शिकायत मिली थी रामगढ़ क्रय शिकायत समिति के गोदाम निर्माण की। क्या शिकायत मिली सर आपको? उसमें एक निर्माण में सामग्री कम सीमेंट लगाई जा रही है, जबकि वहाँ मौके पे अभी नीम खुदाई का कार्य जारी है। उसमें जो विभागीय निर्देशानुसार जितनी 5 फीट या 6 फीट जितना खुदाई करें और विजिट रजिस्टर चालू करें और मौके पे एक उसका लागत का कितनी मेजरमेंट के हिसाब से होना है वो बोर्ड लगाया जाए। 25 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। 60 बाई 30 में गोदाम, उसी में 50 बाई 30 का गोदाम। नीम खुदाई हो रही है, अभी तो पूरी भी नहीं हुई, हो लेबर लग रही थी। नहीं, जैसा कि नीम भर चुकी थी ये पत्थरों के द्वारा, हमें जब हम गए उस टाइम तो नीम में कहीं पत्थर उत्थर थे नहीं, पहले भरी या नहीं भरी। देखो नीम खुदाई जारी है, मजदूर लग रहे हैं उसको। नीमानुसार जितनी होनी है उतनी नीम खुदाई करके हम इसकी समय समय पर विजिट करते रहेंगे। हमारे कमेटी में चेयरमैन है, एक इंस्पेक्टर है और GM है। चेयरमैन रामगढ़ से? चेयरमैन पूरन सिंह, पूरन सिंह का नाम है ना। हमारी वार्तालाप हुई, पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया ना मेरा लेना देना कुछ नहीं है इसमें। नहीं, चेयरमैन वही है, कमेटी में है। अच्छा। और ये कमेटी निर्माण कमेटी है, यही आगे परचेज करेंगी जो सामान कितना होना कैसे काम होना है तीनों तय करेंगे। हमारे DROP से प्रतिनिधि हैं, अशोक लोमोड़ इंस्पेक्टर हैं, यहाँ ब्लॉक इंस्पेक्टर हैं रामगढ़ के। टोली फाटक पर क्रय विक्रय समिति द्वारा एक गोदाम का निर्माण कराया जा रहा था 10x50 का, जिस पर लोगों ने बताया कि वहाँ पर अनियमितता हो रही है। सामान जो लगाया जा रहा है उसमें सीमेंट का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है, सिर्फ मिट्टी से और पत्थरों से ही नीम भर दी गई, जिसकी सूचना मिलने पर गांव के जागरूक नागरिक वहां पहुंचे और वहां की जांच की गई। उच्च अधिकारियों को आज अवगत कराया गया। आज अलवर से एक उच्च अधिकारियों की टीम आई है, उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग करी है और वहां पाया है कि वास्तव में वहां पर सीमेंट का काम नहीं हो रहा था, सिर्फ मिट्टियों से ही और पत्थरों से ही उस नीम को भरा गया है। आगे प्रशासन को ये सूचित कर दिया जा रहा है कि अगर किसानों के साथ इस तरह की घटनाएं की गई और उनके पैसों का उपयोग इस तरह किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, तो आज जागरूक सेवा समिति जो रामगढ़ की एक टीम है वो इसका कड़ा विरोध करेगी और आने वाले समय में उस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन और जो भी हमसे बन पड़ेगा वो किया जाएगा, किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।